वेलकम टू एजुकेटेड भारत। दोस्तों ग्रुप डी एग्जाम देने जा रहे हैं तो रुकिए दो मिनट, देखते जाइए ये खास वीडियो जिसमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैंने कवर किया है। दोस्तों ये टॉपिक ग्रुप डी एग्जाम्स में जरूर पूछा जा रहा है, आपके सिर्फ दो मिनट आपके लिए बहुत प्रॉफिटेबल साबित हो सकते हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ आपको मिलते रहेंगे ऐसे ही इम्पॉर्टेंट वीडियोस। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ इम्पॉर्टेंट कंपनी और उसके संस्थापक के नाम, क्योंकि ये ग्रुप डी एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहली कंपनी हमारी विप्रो। विप्रो के जो संस्थापक हैं दोस्तों वो हैं अजीम प्रेम जी। इन्होंने 1945 में विप्रो नामक कंपनी की स्थापना की है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों रिलायंस। रिलायंस जो कंपनी है उसके संस्थापक हैं धीरू भाई अंबानी। रिलायंस कंपनी के संस्थापक हैं धीरू भाई अंबानी। इन्होंने 1966 में रिलायंस कंपनी की नींव रखी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देख लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट। बहुत ज्यादा पूछा जाता है माइक्रोसॉफ्ट। इसके संस्थापक हैं बिल गेट्स। बिल गेट्स इसके संस्थापक हैं। इन्होंने 1975 में माइक्रोसॉफ्ट नामक कंपनी की स्थापना की है। नेक्स्ट है इन्फोसिस। इन्फोसिस कंपनी के संस्थापक हैं नारायण मूर्ति। इन्होंने 1981 में इन्फोसिस नामक कंपनी की स्थापना की। नेक्स्ट देख लेते हैं अमेजॉन। अमेजॉन जो कंपनी है उसके संस्थापक हैं जेफ बेसोज। 1994 में इन्होंने अमेजॉन कंपनी की स्थापना की है। चलिए दोस्तों इसके अलावा और कंपनीज देख लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछी जा रही है। नेक्स्ट है भारतीय एयरटेल। भारतीय एयरटेल के जो संस्थापक हैं वो है सुनील भारती मित्तल। इन्होंने 1995 में भारतीय एयरटेल की स्थापना की है। नेक्स्ट है यूट्यूब। YouTube सभी यूज़ करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस बेस पर। YouTube जो है इसके संस्थापक है स्टीव चेन। इन्होंने 2005 में YouTube की स्थापना की है। नेक्स्ट है Flipkart। Flipkart जो है इसके जो संस्थापक हैं वो है सचिन बंसल और बिन्नी बंसल, दोनों ही भाई हैं। 2007 में इन्होंने Flipkart की स्थापना की है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देख लेते हैं Paytm। Paytm का पहले पूछा भी गया है और आगे भी पूछा जाएगा कि Paytm के संस्थापक कौन है, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों विजय शेखर शर्मा। इन्होंने 2010 में Paytm की स्थापना की है। नेक्स्ट है स्नैपडील। स्नैपडील जो है इसके संस्थापक है कुणाल बहल। इन्होंने भी 2010 में ही स्नैपडील की स्थापना की है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है सारी कंपनी और उनके संस्थापक, तो इसे आप अच्छे से याद करके तभी एग्जाम देने के लिए जाइए ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो और आप सही उत्तर लगा कर आए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाली हूँ, तो इसी तरह हमारे साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, अब मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद जय भारत।